आतिशबाजी तुमने शुरू की, खत्म मैं करूंगा। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब क्या चल रहा है? टाइगर थ्री चल रहा है दोस्तों। टाइगर थ्री ने अपना शानदार ओपनिंग डे कंप्लीट कर गया, यानी पहला दिन कंप्लीट कर गया, सेकंड डे पर एंट्री मार ली है। लेकिन उसके बावजूद एक चीज बताना चाहूंगा कि यार, एक तो दिवाली का ओकेजन जिसके लिए लोग साल भर वेट करते हैं, और एक वर्ल्ड कप का फेस्टिवल ही समझ लो इसको, जिसके लिए लोग पूरे इतने लंबे समय तक वेट करते हैं, और उसका जब मैच चल रहा हो इंडिया का, दूसरा जो दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा हो, बावजूद इसके लोगों को अपने घर से बाहर आने पर मजबूर कर देते हैं थिएटर हाउस तक। वो सिर्फ एक ही स्टार कर सकता है, कोई मामूली स्टार नहीं, सलमान खान। भाई साहब कल तबाही देखने को मिली है। जिस हिसाब का कल क्राउड था, जिस हिसाब के कल ऑब्स्टेकल्स थे इस मूवी के सामने, उन सबको बीट डाउन करके, उन सबको क्रैक डाउन करके इस मूवी ने जितना उसके हक का था कमाया है, और फाड़ के कमाया है। तो भी आपको बताऊंगा कि कल की ऑक्यूपेंसी कैसी रही थी, कल कितना कमाई इसने नेट इंडिया से किया, ओवरसीज से करा है, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कल कितना रहा है, आज डे टू में कैसा रुझान चल रहा है, वॉकिंग ऑडियंस का क्या रुझान चल रहा है, एडवांस से आज कितनी कमाई करी है, और कल कौन कौन सी बड़ी मूवी के रिकॉर्ड ये तोड़ दिया है या तोड़ सकती थी, आज कौन सी मूवी इसके रिकॉर्ड तोड़ रही है, सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कब? जब आपको एक आध मिनट में आगे काम पसंद आ जाए तब। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टाइगर थ्री ने यार तबाही मचाई है। कल की अगर मैं ऑक्यूपेंसी आपको बताऊं तो चलो पहले इवनिंग से शुरुआत करते हैं। इवनिंग में क्या हुआ भाई, सभी जानते हैं। इवनिंग से दिवाली सेलिब्रेशन पीक पर था, और जब मैच चल रहा था, इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का मैच चल रहा था, अराउंड मैंने चेक किया था 3 करोड़ से ऊपर लोग लाइव देख रहे थे हॉटस्टार पर। तो आप समझ सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस वहां पर अपना समय निकाल रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शन करके लाई है। इवनिंग में 40% की ऑक्यूपेंसी रही है, जो कि काफ़ी शानदार थी, जो पहले हिट हिटेस्ट हुई हैं। लाइक अगर हम टाइगर जिंदा की बात करें तो बेस्ट ओपनर थी 34 करोड़ की, प्रेम रतन धन पायो बेस्ट ओपनर थी 40 करोड़ 35 लाख की, और भारत मूवी 42 करोड़ 30 लाख की जो अभी तक नंबर वन ग्रॉसर मूवी थी सलमान खान के करियर की। लेकिन टाइगर थ्री इन सब रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन करने वाली है। ऑफिशियल नहीं आया है, बट प्रिडिक्टेबल बिल्कुल स्लाइटली टच करेगा ऑफिशियल आंकड़े को आज, जब ये ऑफिशियल कल फुल डे का आ जाएगा मेकर्स की तरफ से। तो भाई एडवांस से कल कितना रहा है, 23 करोड़ की, और जिसमें सिर्फ हिंदी से एडवांस में आया था 21.5 करोड़। ऑक्यूपेंसी से शुरुआत करते हैं, अर्ली मॉर्निंग एंड फुल मॉर्निंग, देन उसके बाद अर्ली आफ्टरनून 2 बजे से पहले का रुझान, और 3 और 4 बजे तक के रुझान में कितनी ऑक्यूपेंसी रही है, लगभग में लगभग 60 से 65% की ऑक्यूपेंसी रही है थिएटर हाउस में। इवनिंग आते आते ये मूवी 40, और नाइट आते आते 35%। इट मीन्स ये कि इवनिंग टू नाइट 40 से 35% की ऑक्यूपेंसी में आ चुकी थी। लेकिन फिर भी जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिला है। तो मूवी कल कमाते कितना नजर आई है एंड ऑफ द डे तक, वैसे नेट इंडिया से बताऊं तो 45 करोड़ का आंकड़ा इजी टू टच करते नजर आ रही है, जो कि मिनिमम है। इससे ऊपर 50 करोड़ भी जा सकता है, लेकिन नहीं, मिनिमम अर्ली एस्टिमेट 45 करोड़ ही रखते हैं, क्योंकि ऑफिशियल मेकर्स की तरफ से आएगा तो उसके ऊपर नई वीडियो अलग से बना दी जाएगी, जिसमें से तमिल तेलुगु से 2.5 करोड़ आता दिखा है, एंड रेस्ट ऑफ द आंकड़ा हमें सिंगल लैंग्वेज हिंदी से आता दिखा है। मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन 42.5 करोड़ कल एंड ऑफ द डे तक। इस साल की नंबर वन ग्रॉसर मूवी जो जवान है, जिसने 75 करोड़ की ओपनिंग ली थी अपने पहले दिन में, तो भाई ये उसको तो रिकॉर्ड नहीं बीट डाउन कर पाई है। देन पठान थी जिसने 57 करोड़ की ओपनिंग ली थी, उसको भी नहीं बीट डाउन कर पाई। लेकिन हाँ, गदर 2 को बीट डाउन कर दिया है, जिसकी ओपनिंग थी इस साल जो 3rd नंबर पर बैठी थी 40 करोड़ 20 लाख या फिर 45 लाख के आसपास। तो टाइगर 3 इजी 45 करोड़ ला सकती है नेट इंडिया के कलेक्शन के मामले में। तो कल एंड ऑफ द डे तक ग्रॉस कलेक्शन कितना रहा है, 53 करोड़, ओवरसीज से कितना है 30 करोड़, टोटल हो जाता है कल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन का अराउंड 82 to 85 करोड़, जो कि ह्यूज कलेक्शन है। नाउ आज चलते हैं डे टू में कैसा रहा। देखो मूवी को बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, वॉकिंग ऑडियंस आज अपना कमाल दिखाएगी, एडवांस से उतना आज भी अच्छा खासा नहीं रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी आज विश्वकर्मा का हॉलीडे है, देन कल भाई दूज का भी हॉलीडे रहेगा, तो ये 2 दिन मूवी फाड़ के जाने वाली है। लेकिन परसों 3rd दिन इंडिया का मैच फिर से है, वो भी सेमीफाइनल, तो फिर वहाँ से क्राउड डाउन देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं इस मूवी के सामने, लेकिन फिर भी ये मूवी अपने हक का निकाल ही ले रही है। सेकंड डे
टाइगर थ्री का कैसा जा रहा है? तो भाई हिंदी से 16.5 करोड़ और ऑल इंडिया नेट से, मतलब पूरी लैंग्वेज को मिलाकर, हिंदी, तमिल, तेलुगु, 4DX, IMAX, आइस वर्जन सभी को मिलाकर यह मूवी लगभग में लगभग आज 17.5 करोड़ का एडवांस अपने खाते में रखते नजर आ रही है, जिसमें से टिकट आज बेचते नजर आ रही है मूवी सिर्फ एडवांस से 6,35,000 के आसपास। तो ये मूवी आज टोटल कितना कमा सकती है? भाई मुद्दे की बात पर आते हैं कि टोटल आज कितना रह सकता है, क्योंकि मूवी को कल पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं और अच्छे खासे रिव्यू मिले हैं, लेकिन कुछ एक हेटर्स ने फिर भी हेट फैलाने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी है, स्पॉयलर्स देने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन जिस हिसाब से कल पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, उस हिसाब से आज वॉकिंग ऑडियंस कमाल करने वाली है, एडवांस से भी अच्छा खासा नंबर देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है वैसे तो, लेकिन फिर भी स्लाइटली ये इजी टू इजी टच करने वाली है सिर्फ नेट इंडिया से 45 से 50 करोड़ के आसपास, जिसमें सिर्फ हिंदी से ये मूवी आज भी 42 से 43 करोड़ कमाते नजर आ रही है। तो पूरी दुनिया से मूवी कितनी जा सकती है? आज भी 80 to 85 करोड़ जा सकती है। ओवरसीज से आज भी 29 से 32 करोड़ के बीच में आंकड़ा आता नजर आ रहा है। तो भाई साहब ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है आज, ये आप लोग बताएंगे। इसी के साथ ये मूवी आज अगर इतने कलेक्शन ले आती है तो डे टू में वर्ल्ड वाइड ओवरसीज से ये मूवी 160 करोड़ प्लस हो जाएगी, और नेट इंडिया से कलेक्शन के मामले में ये मूवी 85 करोड़ प्लस हो जाएगी। तो आप लोगों की कह रहा है ये मूवी वैसे लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है? देखो अभी जिस हिसाब से रुझान चल रहे हैं 350 से 400 करोड़ कहीं नहीं गए इसके खाते में, ये इजी टू इजी रहेंगे ही रहेंगे, उससे ऊपर कितना जाएगी ये देखना बड़ा ही अच्छा लगेगा, और इससे ऊपर 500 करोड़ भी जाती है तो भाई मजा आ जाएगा। तो आप लोग क्या कह रहे हैं ये मूवी कितनी लाइफ टाइम कलेक्शन कर सकती है, और आज कितना कलेक्शन कर सकती है, क्या आज 100 करोड़ टच कर जाएगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।